Hello students, in the last video we have studied about the KVL and KCL, Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. Okay, so today we'll start with the mesh and nodal analysis. Okay, so hum log yahan par kya karne wale hain ki mesh and nodal analysis mein hum log koi theory nahi padhenge. Hum log kya karenge, ek simple sa example leke dono ki dono technique ko acche se samajhne ki koshish karenge ki kis tarah se aap kisi circuit mein mesh apply kar sakte ho या किस तरह से आप किस सर्किट में नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो. ओके, तो हम लोग यहां पर इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. तो अगर मैं फर्स्ट आपका मैश एनालिसिस लूं, तो अगर मैं एक एग्जांपल यहां पे कंसीडर करूं, सपोज प्लस माइनस 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है हमारा एंड मैं कुछ रजिस्टर्स यहां पर ले रहा हूं R1. सपोज करो R1 की वैल्यू मैं ले ली 2 ओम, R2 मैंने ले लिया 3 ओम और कुछ और रजिस्टर हम कनेक्ट कर लेते हैं यहां पर 6 ओम. दिस इज योर 1 ओम. कुछ और कंसीडर कर लेते हैं 3 ओम और ये आपका हो गया यहां पर 2 ओम. ओके, नाउ अब अगर मैं मैश एनालिसिस को समझना चाहता हूं तो मैश एनालिसिस में हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं. तो यहां पर टोटल 3 1 2 एंड 3 आपके लूप्स हैं. ओके, तो हमें करना क्या है, हर एक लूप में हमें करंट दे देनी है. यहां I1 दे दिया, सेकंड में हमने I2 अप्लाई कर दिया और थर्ड में हमने I3 अप्लाई कर दिया. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि तीनों करंट के डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, कि कुछ क्लॉकवाइज है कि कुछ एंटी क्लॉकवाइज है, हमें ये चीजें ध्यान रखनी है. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप मैश एनालिसिस के थ्रू सर्किट सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करिए, अगर आपके हाथ में है करंट अप्लाई करना तो आप सबके डायरेक्शन एक ही रखिए. जैसे मैंने तीनों के डायरेक्शन यहां पर क्लॉकवाइज ही रखे हैं. ओके, नाउ अगर अपोजिट भी होते हैं तो क्या होगा, मैं आपको क्लियर करूंगा. ओके, नाउ अब अगर मैं पहले लूप में केवीएल अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 10 करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फर्स्ट साइन क्या है आपका माइनस, प्लस 2 I1. ओके, हो गया यहां तक. अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर 3 ओम के अक्रॉस आपका I1 का इफेक्ट भी है और I2 का इफेक्ट भी है. ठीक है, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि अगर किसी एक ब्रांच में दो करंट का इफेक्ट हो, ठीक है, और दोनों करंट्स अगर सेम डायरेक्शन में है मतलब क्लॉकवाइज है, तो आपको क्या करना है, हमेशा माइनस करना है 3 I1 - I2 के इक्वल टू 0. और तो कोई रजिस्टर नहीं लगा आपका यहां पर, ठीक है, और एक्चुअल में ये कोई ट्रिक नहीं है कि आपको माइनस क्यों करना है या आपको प्लस करना है. आपका यहां पर आप सिंपल केसीएल लगा के इस नोड पे इस ब्रांच के क्रॉस आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो, आपका करंट I1 - I2 ही आएगा. ओके, बट अगर आप सिंपली अगर फास्ट तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो आपको बस क्या दिमाग में रखना है कि अगर दोनों करंट के डायरेक्शन सेम हो तो आपको अपोजिट करंट को क्या करना है, माइनस करना है. जैसे कि अगर आप I1 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो आपको I2 क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन 1. नाउ अगर मैं सेकेंड लूप की बात करूं तो यहां पर कोई वोल्टेज सोर्स तो लगा नहीं हुआ है, सिर्फ रेजिस्टेंस है. तो फर्स्ट रजिस्टर क्या है आपका 3, पर इसमें आपका I1 और I2 दोनों का इफेक्ट है तो आप क्या लिखेंगे, 3 I2 - I1. ओके, नाउ नेक्स्ट 6 ओम में सिर्फ I2 का इफेक्ट है, देख सकते हैं आप सिर्फ I2 फ्लो हो रही है तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 I2. 1 में क्या है, I2 और I3 दोनों का इफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, 1 I2 - I3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो आपको ये चीज तो याद होगी कि मैंने क्या कहा था, जब भी किसी रजिस्टर से कोई करंट फ्लो होता है पहला साइन हमेशा क्या होता है आपका, प्लस होता है. तो जैसे 6 ओम था या जैसे आपका 2 ओम था, उनसे सिर्फ या तो I1 फ्लो हो रही थी या तो सिर्फ I2 फ्लो हो रही थी, तो आपने सिंपली क्या लिखा, प्लस 2 I1 या प्लस 6 I2. बट जो 3 ओम था उसमें से I1 I2 दोनों फ्लो हो रही थी, तो आपको कैसे दिमाग में रखना है क्विक अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो
कि जब आप फर्स्ट लूप के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आई वन माइनस आई टू करना है इनटू टोटल रेजिस्टेंस, अगर आप सेकंड लूप के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करना है आपको आई टू माइनस आई वन करना है इनटू टोटल रेजिस्टेंस, सिमिलरली फॉर वन ओम क्या करना है आपको आई टू माइनस आई थ्री करना है इनटू टोटल रेजिस्टेंस। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट लूप थ्री की बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका लूप थ्री में जो वन ओम है उसमें आई थ्री का इफेक्ट भी है एंड आई टू का इफेक्ट भी है, तो कितना हो जाएगा वन इंटू आई थ्री माइनस आई टू। ओके, थ्री ओम एंड टू ओम उनमें सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट है आपका आई थ्री का, तो कितना हो जाएगा आपका थ्री आई थ्री प्लस टू आई थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से आप तीनों इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप तीनों इक्वेशन को रीअरेंज कर लें आई वन आई टू एंड आई थ्री के फॉर्म में, ठीक है, तो आपके तीन इक्वेशन बन जाएंगे और तीन अननोन होंगे आई वन आई टू एंड आई थ्री। जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था नेटवर्क थ्योरी की स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में कि प्री रिक्विजिट क्या है नेटवर्क थ्योरी की, वो क्या है कि जब भी आपके टू वेरिएबल या थ्री वेरिएबल के इक्वेशन जनरेट हो तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करते हुए उन्हें क्विकली सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी, ये दिस द पार्ट ऑफ मैथ्स, तो आपको इसमें आपको क्विकली सॉल्व करना है। नेटवर्क थ्योरी का पार्ट आपका ये था कि आप केवीएल के इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैश के इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं, मैश एनालिसिस आप कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, सो एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूं, इक्वेशंस आपके सेम रहेंगे, ऑलमोस्ट आपका मेथड भी सेम रहेगा बट थोड़ा और क्विक हो जाएगा आपका लिखने का तरीका। देखिए यहां पर सपोज करिए मैं अगर मैश वन के लिए लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर, आप क्या करिए जो वोल्टेज है, जब वोल्टेज सोर्स होगा तो आपको तो माइनस पहला साइन है तो माइनस अप्लाई करना ही है, तो आपको किस तरह से लिखना है देखिए माइनस टेन। ओके, प्लस आपको क्या करना है जितने उस लूप में टोटल रजिस्टर है सबको एड कर दीजिए, कितने हैं टू प्लस थ्री फाइव, लूप की करंट कौन सी है आपकी आई वन, तो आई वन से मल्टीप्लाई करिए। अब आप देखिए क्या किसी एक ब्रांच में किसी दूसरे करंट का इफेक्ट है क्या, तो अगर है यहां यस, थ्री ओम में किसका इफेक्ट है आपका आई टू का, तो उस इफेक्ट को आप माइनस कर दीजिए, माइनस थ्री आई टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, सेम सेकंड के लिए क्या करिए, देखिए आई टू करंट है आपकी, इस लूप में कितने रेजिस्टेंस है आपके वन टू एंड थ्री। ओके, टोटल वैल्यू कितनी होगी आपकी थ्री प्लस सिक्स नाइन प्लस वन टेन, तो टेन लिखिए और आई टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, मतलब जिस भी लूप में जितने रेजिस्टेंस होंगे सबको ऐड कर दीजिए और उस करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या किसी ब्रांचेस में किसी और करंट का इफेक्ट है क्या, तो थ्री ओम में यस आई वन का इफेक्ट है, हमें वो इफेक्ट नहीं चाहिए तो हम उस इफेक्ट को क्या कर देंगे माइनस, वन ओम में किसका इफेक्ट है आपका आई थ्री का, तो हम उसको क्या कर देंगे वन इंटू आई थ्री इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ अगर मैं इक्वेशन थ्री की बात करूं तो आई थ्री करंट है, टोटल आपके रेजिस्टेंस कितने हैं वन प्लस थ्री फोर प्लस टू सिक्स, सो सिक्स आई थ्री। क्या आपका किसी भी ब्रांच में और किसी करंट का इफेक्ट है, यस इफेक्ट है, वन ओम में आपका आई टू का इफेक्ट है, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस वन इंटू आई टू इज इक्वल टू जीरो। तो अब अगर आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आई वन आई टू एंड आई थ्री के फॉर्म में तो आपको यही इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे इक्वेशन क्या हुए डायरेक्टली आई वन आई टू आई थ्री के फॉर्म में आ गए, हमारे एक स्टेप सेव हो गए, हमारा टाइम सेव हो गया यहां पर। ठीक है ना, तो आपको क्या दिमाग में रखना है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बहुत आसान सा तरीका है आपका, कि आपको सबसे पहले करंट के डायरेक्शन आपको सेम रखने हैं जब आप अपने आप से कंसीडर करेंगे आई वन आई टू एंड आई थ्री। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी लूप के लिए आप केवीएल लगा रहे हैं उस लूप में आप जितने भी रेजिस्टेंस है सबको ऐड करके उस करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी ब्रांच में अगर अपोजिट करंट का अफेक्ट हो तो उसको उस रजिस्टर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, अगर दोनों करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो, मतलब सेम है तो। ठीक है, क्लियर है यहां तक। एक और पॉइंट आपको शुरू से दिमाग में रखना है, सपोज करिए कि अगर आई वन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता और आई टू का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता, ठीक है, तब आपको क्या करना था, जो आपने अफेक्ट को माइनस किया था उस अफेक्ट को आपको प्लस कर देना था, बस इतना ही फर्क आएगा अगर डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो, जो अफेक्ट आपने माइनस किया है उसे आपको प्लस करना है। ओके, नाउ
अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना सारा चीज क्यों याद रखूं, ठीक है ना, कि मैं हमेशा ही सेम डायरेक्शन लेके क्यों नहीं चल सकता, मैं हमेशा ही क्यों ऐसा याद ना रख लूं कि जो अपोजिट ब्रांच है, जो अपोजिट करंट है, उसके अफेक्ट को हमेशा मैं माइनस कर दूं, ठीक है। तो उसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास। आप क्या कर सकते हैं यहां पर कि आपको सपोज करिए कि करंट अगर आई टू एंटी क्लॉक वाइज दी भी हुई है अगर क्वेश्चन में, तो आप अपने आप से उसे क्लॉकवाइज ले लीजिए, ठीक है, और लास्ट में जो आई टू आप लिखेंगे उसका साइन आप रिवर्स कर दीजिए आंसर का, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए यहां पर आई वन आपका क्लॉकवाइज दिया था, आई थ्री आपका क्लॉकवाइज दिया था, लेकिन न्यूमेरिकल में जो आई टू है वो क्या दिया था, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप आई टू को भी क्लॉकवाइज ले लीजिए और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। सपोज करिए आई टू की वैल्यू लास्ट में सॉल्व करने के बाद आई टू एम्पियर, तो आप लास्ट में लिख लेंगे आई टू इज इक्वल टू माइनस टू एम्पियर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप एक ही कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं कि आपको अपोजिट करंट के अफेक्ट को क्या करना है, हमेशा माइनस करना है। ओके, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर सपोज करिए इक्वेशन वन टू और थ्री को सॉल्व करके आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, मैंने भी सॉल्व नहीं किया इक्वेशन, हमें इक्वेशन की वैल्यू से यहां पर कंसेप्ट वाइज कोई मतलब भी नहीं है। सपोज करिए इक्वेशन की वैल्यू आती है सॉल्व करने पर ए बी एंड सी, कुछ भी वैल्यू आ गई, वन एम्पियर टू एम्पियर थ्री एम्पियर एनी वैल्यू, ठीक है। अब सपोज करिए मुझे केवीएल का यूज करके या मैश एनालिसिस का यूज करके कहा गया था कि 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज वी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमें करंट कैलकुलेट करने नहीं कहा गया था, लेकिन जब भी आप मैश एनालिसिस लगाएंगे तो आपकी करंट सी निकलेंगी आई वन आई टू एंड आई थ्री, तो आपको कहा गया वी एक्स कैलकुलेट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, आपकी करंट कैलकुलेट हो चुकी है तो आप देखेंगे सिर्फ वी एक्स को देखिएगा, अब आप दोबारा से केवीएल मत लगाइएगा, वी एक्स को अगर आप देखें, वी एक्स पे कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई टू, आई टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो पहला साइन कौन सा आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, वी एक्स में भी पहला साइन कौन सा है, प्लस है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वी एक्स की वैल्यू, 6 आई टू, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं नॉर्मली, वी एक्स इज इक्वल टू 6 बी, आई टू सपोज करिए आपका बी आया है तो वी एक्स कितना हो जाएगा आपका, 6 बी हो जाएगा। ओके, नाउ सपोज करिए आपसे कहा जाता कि आप 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करिए यूजिंग मैश एनालिसिस, तो अगेन आप सबसे पहले क्या करते, मैश के इक्वेशन लिख लेते, उसके बाद आप आई वन आई टू आई थ्री कैलकुलेट कर लेते। नाउ अब आपको अगर वी एक्स कैलकुलेट करना है अक्रॉस 3 ओम, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब आपको सिर्फ वी एक्स पे नजर रखनी है, या आप चाहे तो यहां वी एक्स वन कर लीजिए, आपने प्रीवियस वाले को अगर वी एक्स लिया था तो आपको सिर्फ वी एक्स वन पे नजर रखनी है, केवीएल नहीं लगाना है दोबारा से। तो अब अगर आप वी एक्स वन को देखते हैं तो वी एक्स वन में करंट कौन सी फ्लो हो रही है इस टाइम पे, अब आपको यही नहीं देखना कि कौन सा लूप है, क्योंकि वी एक्स वन की बात कर रहे हैं हम, ना तो हम लूप वन की बात कर रहे हैं ना ही लूप टू की बात कर रहे हैं। तो जब भी वी एक्स वन की आप बात करें तो आपको हमेशा फर्स्ट माइनस सेकेंड करना है, मींस आई वन माइनस आई टू करना है। आप सिंपली केसीएल लगा के भी इस नोट पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट की वैल्यू क्या हो रही है। अगर आप यहां से आई करंट निकाल लें तो आई करंट आपकी कहां से फ्लो हो रही है, प्लस टू माइनस, तो वोल्टेज का साइन आपका क्या होगा, प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3i आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आप सिंपल अगर केसीएल लगा लें इस नोट पे तो आप i की वैल्यू निकाल सकते हैं, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, i1 माइनस i2, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, vx1 रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी आपकी 3 ओम, और करंट की वैल्यू कितनी है आपकी i1 माइनस i2, तो 3, i1 इज a, i2 इज b, सो 3a माइनस b। ओके, सो आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि फर्स्ट करंट माइनस सेकंड करंट होगा जब भी आप किसी भी ब्रांच के अक्रॉस करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आप केवीएल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं। सपोज करिए अगर मैं इस पॉइंट पे केसीएल लगाता हूं तो आई करंट क्या है आपकी, इनकमिंग है। ओके, आई टू भी क्या है आपकी इस पॉइंट पे, इनकमिंग है, सो प्लस आई टू। बट जो आई वन क्या है इस पॉइंट से, आउटगोइंग है, देख सकते हैं बाहर की तरफ निकलेगी आई वन, तो कितना हो जाएगा, माइनस आई वन इज इक्वल टू जीरो, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आई वन माइनस आई टू। ओके, सो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको याद नहीं रखना, प्योरली आपके मेथड्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन 4 to 5 seconds। ओके, तो ये आपका केवीएल मैश एनालिसिस का यूज होता है। सिर्फ करंट निकालने के लिए आपको नहीं कहेगा वो किसी भी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए आपको बोल सकता है,
किसी भी ब्रांच के अक्रॉस करंट निकालने के लिए भी बोल सकता है। जैसे आप देखेंगे कि जो लूप टू में करंट थी I2 थी, लूप थ्री में क्या थी I3 थी, अगर आपको बोलता 1 ओम के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करो, तो मैंने जैसे आपको सिखाया है करंट कितनी हो जाएगी I2 माइनस I3, मीन्स यहां से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगी B माइनस C, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट मैश एनालिसिस, ठीक है ना। मैंने इसी कारण आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कराने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं आपको थ्योरी लिखाऊंगा तो आपको इतना अच्छा क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी प्योर मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, ओके। तो इस एग्जाम्पल से आपको मैश एनालिसिस कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आने वाली वीडियोस में मैश के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा मैश एनालिसिस, ओके। नाउ नेक्स्ट जो आपका है दैट इज योर नोडल एनालिसिस। जैसे हमने मैश एनालिसिस में केवीएल का यूज किया था, नोडल एनालिसिस में हम लोग केसीएल का यूज करते हैं, ओके। तो क्या होता है आपका नोडल एनालिसिस, मैं अगेन सेम तरीके का फिगर ले लेता हूं, यहां पर प्लस माइनस 10 वोल्ट, ओके, बिल्कुल सेम फिगर ले रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू में डिफरेंट ले सकता हूं, बट फिगर का शेप आपका बिल्कुल सेम रहेगा। हमें क्या करना है इस पे, अब नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है। तो नोडल एनालिसिस के लिए हमें केसीएल का नॉलेज होना चाहिए, ओके। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये मेरा सर्किट बन गया है यहां पर, इस सर्किट में अब अगर मैं नोडल एनालिसिस लगाना चाहता हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे लिए यहां पर, कि सबसे पहले मैं नीचे वाले नोड को ग्राउंड कर दूं। आप देख सकते हैं नीचे वाला नोड बिल्कुल सेम है, अगर ये नोड आपका ग्राउंड है तो ये भी क्या होगा ग्राउंड होगा, ये भी क्या होगा ग्राउंड होगा, ये भी क्या होगा ग्राउंड होगा, सारे नोड्स क्या है आपके शॉर्ट सर्किट है, तो सारे नोड्स एक्चुअली एक ही है, ठीक है ना। अब बाकी जितने बचे हुए नोड्स हैं उन सारे नोड्स में आप वोल्टेज दिखा दीजिए कि कितना वोल्टेज है किस नोड पे, ओके। सपोज करिए मैं इस नोड की बात करता हूं, तो इस नोड पे जो वोल्टेज होगा वो एक्चुअल में पूरी ब्रांच का वोल्टेज होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पूरी ब्रांच का वोल्टेज कितना है यहां पर 10 वोल्ट, तो इस नोड पे वोल्टेज हमें गिवन है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस नोड की, तो हम देख सकते हैं इस नोड और इस नोड के बीच में एक 6 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, मतलब दोनों नोड आपके क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, ओके। यहां पर पूरी ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है, मतलब जो 3 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें अननोन है, तो हम क्या करते हैं इसको V1 मान लेते हैं। अगेन इस नोड की बात करें, अगेन आपका नोड चेंज हो गया, एक एलिमेंट कनेक्टेड है आपका, इसे हम V2 मान लेते हैं क्योंकि हमें 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज नोन नहीं है। नाउ नेक्स्ट इसको हम क्या मान लेते हैं V3, नोड अगेन आपका चेंज हो गया है और अगेन हमें 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज नोन नहीं है, ओके। तो अब अगर हम देखें ग्राउंड नोड को छोड़कर बाकी हमारे टोटल 4 नोड्स हैं यहां पर आपके, उन 4 नोड्स में से एक नोड का वैल्यू आपको पता है वोल्टेज की, वो है आपकी 10 वोल्ट। रिमेनिंग नोड्स में वैल्यूज जो है दैट इज V1, V2 एंड V3, जो कि आपकी अननोन है। तो अगर मैं इन्हीं अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए नोडल एनालिसिस का यूज करूं, तो अगर मैं V1 पर अप्लाई करता हूं नोडल एनालिसिस, तो एट V1 आपको करना क्या है, नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के पहले आपको हर एक ब्रांच में करंट का डायरेक्शन शो कर देना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तब तो आप वही डायरेक्शन फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है करंट का डायरेक्शन हर एक ब्रांच में, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए मैं यहां पर ले रहा हूं इस तरह से, यहां इस तरह से लिया, यहां इस तरह से लिया, यहां पर इस तरह से, और लास्ट में इस तरह से, ओके। नाउ आपको यहां पर करंट की वैल्यू शो करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको I1, I2, I3 लेने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर, ओके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो यहां पर मैंने करंट के डायरेक्शन शो कर दिए हैं। एक चीज और आपको दिमाग में रखनी है कि जैसे मान लीजिए मैंने 3 ओम के अक्रॉस डाउनवर्ड लिया है, अगर आप अपवर्ड भी ले लेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, बट जो भी डायरेक्शन आप चूज करें उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको नोडल इक्वेशंस लिखने हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना है। सपोज करिए अगर मैं V1 पे अप्लाई करना चाहता हूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ V1 को देखना है, आपको उस सर्किट में V1 के अलावा और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना, लॉजिक क्लियर है। तो अब अगर आप पूरा फोकस अपना V1 पे करते हैं, तो V1 से आप जुड़ी हुई ब्रांचेस को देखिए, ये एक ब्रांच है, ये नीचे वाली एक ब्रांच, और एक आपकी राइट साइड वाली एक ब्रांच है। तो आपको क्या करना है, इस पे KCL अप्लाई करना है।
तो आप देखेंगे जो ये वाली ब्रांच है 6 ओम वाली, उससे जो करंट है वो क्या है, इनकमिंग। तो हम क्या करेंगे, इनकमिंग करंट के लिए पहले प्लस साइन लगा देंगे और फिर इक्वेशन लिखेंगे। तो ये जो करंट है वो कहां से कहां मूव कर रही है, 10 वोल्ट टू V1। तो हमें क्या करना है, वोल्टेज डिफरेंस लिखना है 10 माइनस V1 डिवाइड बाय, हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है उस ब्रांच का, 6 ओम। ओके नाउ अब अगर मैं बात करूं 3 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस जो आपकी करंट फ्लो हो रही है, तो आप देखेंगे करंट का डायरेक्शन क्या है, आउटगोइंग है V1 के करस्पॉन्डिंग। तो आप क्या लिखेंगे, पहले आप माइनस दे देंगे, फिर देखिए ये करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है V1 से 0 तक। तो कितना हो जाएगा आपका, V1 माइनस 0 अपॉन 3। नाउ ये जो 2 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो V1 के करस्पॉन्डिंग क्या है आपकी, आउटगोइंग है। तो अगेन सामने क्या लगाएंगे आप, माइनस साइन। ओके फिर आप देखेंगे कि वोल्टेज जो है वो कौन कौन से है, V1 एंड V2 है, करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है आपकी, V1 टू V2। तो आप क्या लिख देंगे, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 2। ओके तो बस आपको करना क्या है, किसी भी नोड के अक्रॉस जो करंट्स इनकमिंग है उनके सामने आप प्लस लिख लीजिए, जो करंट आउटगोइंग है उनके सामने आप माइनस लिख लीजिए। ओके इसका आप रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस करंट को फिर देखना है। अब आपने इनकमिंग आउटगोइंग सॉल्व कर लिया है, अब आपको सिर्फ उस करंट को देखना है कि वो करंट जो है वो किस वोल्टेज से किस वोल्टेज की तरफ जा रही है, उन दोनों वोल्टेज का आपको डिफरेंस लेना है। जैसे जो ये करंट थी आपकी वो 10 से V1 की तरफ जा रही थी, तो 10 माइनस V1, अगर वो V1 से 10 की तरफ जा रही होती तो आप लिखते V1 माइनस 10 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ओके क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं एक और इक्वेशन लिख लूं यहां पर एट V2 पर अगर मैं इक्वेशन लगाऊं यहां पर, तो आप देखिए जरा V2 पर क्या हो जाएगा आपका, कौन कौन सी करंट है, एक तो 2 ओम के अक्रॉस है, एक 4 ओम के अक्रॉस है और एक 6 ओम के अक्रॉस है। तो ये जो 2 ओम से जो करंट आ रही है वो क्या है आपकी, इनकमिंग है V2 के करस्पॉन्डिंग। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्लस। ओके सो प्लस लिखने के बाद ये करंट कहां से कहां जा रही है, V1 से V2। तो आप क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 2। ओके नाउ जो आपकी नेक्स्ट करंट है वो क्या है, 4 ओम के अक्रॉस है, V2 के करस्पॉन्डिंग क्या है वो आउटगोइंग, कहां से कहां जा रही है, V2 से ग्राउंड तक। तो ग्राउंड तो आपका 0 ही है, आउटगोइंग के लिए आप माइनस लगा दीजिए, कितना हो जाएगा आंसर आपका, V2 अपॉन 4। नाउ जो लास्ट करंट है आपकी वो कहां से कहां जा रही है, V2 से V3 तक, V2 के करस्पॉन्डिंग क्या है आपकी, आउटगोइंग। तो अगेन आप क्या लगा देंगे यहां पर, माइनस, और क्या लिख देंगे, V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 6। ओके इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, 0। ओके क्लियर है यहां तक आप लोगों को, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब जो आप V3 पे जो नोडल लगाना चाहते हैं वो आपके लिए अब होमवर्क है, आप अपने आप से इसको ट्राई करिए, ठीक है ना, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जहां भी आपको कोई डाउट क्रिएट होता है या V3 पे नोडल लगाने में आप इजी फील नहीं करते हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए अगेन इस बारे में, ठीक है, मैं आपको क्लियर करूंगा दोबारा से। ओके नाउ अब मान लीजिए मैंने V1 V2 और V3 पे नोडल लगा के V1 V2 एंड V3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्योंकि ये आपके 3 नोडल इक्वेशन होंगे तो 3 वैल्यूज आपकी निकल जाएंगी। V1 सपोज करो मैं A ले रहा हूं, V2 B और V3 C ले रहा हूं, जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज निकल आएंगी, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन अब किस तरह से पूछे जा सकते हैं, सपोज करिए आपसे पूछता कि 3 ओम के अक्रॉस करंट कितनी होगी, सपोज करिए मैं करंट ले रहा हूं I3, तो I3 आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, अब आपको नोडल नहीं लगाना, अब आपको इनकमिंग आउटगोइंग नहीं देखना है, अब आपको सिर्फ ये देखना है कि 3 ओम के अक्रॉस करंट कितनी है। तो जो 3 ओम के अक्रॉस जो करंट है, मींस जो I3 करंट है, डाउनवर्ड करंट, आपको सिर्फ ये देखना है करंट क्या होती है, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट कहां से कहां जा रही है आपकी, V1 से 0, तो वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा आपका, V1 माइनस 0 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3। तो आंसर क्या हो जाएगा I3 का आपका, V1 मींस A बाय 3। ओके नाउ सपोज करिए आपसे पूछता ये करंट कितनी होगी आपकी, सपोज करो मैं इसको I2 दे रहा हूं, तो फिर से आपको अब नोडल नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपसे I2 पूछा है, I2 किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है आपकी,
आई टू जा रही है आपकी वी वन से वी टू की तरफ, तो आप क्या लिखेंगे, वी वन माइनस वी टू डिवाइड बाय टोटल रजिस्टर, तो आई टू कितनी हो जाएगी आपकी वी वन ए वी टू बी डिवाइड बाय टोटल रजिस्टर, टोटल रजिस्टर कितना था हमारा 2O, तो 2O, ओके। तो इस तरह से हम लोग नोडल एनालिसिस का यूज करके हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक नोड पे वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि जो इस वीडियो में हमने नोडल और मैश एनालिसिस की स्टडी की है, अगर हम उन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करते हैं किसी भी सर्किट में, तो हम उस सर्किट में हर एक वैल्यू करंट और वोल्टेज की कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब पॉइंट यहां पर यह है कि आपके पास दो मेथड्स हैं, एक है आपके पास नोडल और एक है आपके पास मैश, तो आपको कब कौन सा यूज करना चाहिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है ना। जब हम आने वाली वीडियोस में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा कि आपको कब कौन सा मेथड यूज करना है। क्योंकि सपोज करिए किसी क्वेश्चन में आपको नोडल यूज करना चाहिए था और आपने मैश यूज कर लिया, तो आंसर तो जरूर आ जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपका 1 मिनट में सॉल्व हो सकता था वो आपके 10 मिनट्स लग जाएंगे। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, आंसर से भी बढ़कर आपके लिए टाइम है। लॉजिक क्लियर है, आपको जज करना आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है। अगर उससे ज्यादा टाइम आपको लगता है आप देने वाले हो, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करिए, ठीक है ना। तो हमें नोडल और मैश में इस तरह से समझना होगा कि हमें कब कौन सा मेथड यूज करना है, जो आने वाली वीडियोस में न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।